Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm a motivational speaker, leadership consultant and a business coach. आज वापस आया हूँ case study based video brand equity को समझाने के लिए. आप में से कई लोगों ने MBA नहीं किया होगा या किया भी होगा तो भी चांसेस है कि ब्रांड इक्विटी की समझ ना हो. ब्रांड इक्विटी क्या होता है? ब्रांड इक्विटी होता है अनडिस्प्यूटेबल एविडेंस ऑफ डिस्टिंक्शन. अनडिस्प्यूटेबल एविडेंस ऑफ डिस्टिंक्शन, इसका क्या अर्थ हुआ? एक रिफ्लेक्स एक्शन के बेसिस पे आप तुरंत कौन से ब्रांड को प्रेफर करते हैं, किस ब्रांड का प्रेफरेंस और रिकॉल वैल्यू आपके मन में स्ट्रांग है, उस ब्रांड का इक्विटी ज्यादा है. अनडिस्प्यूटेबल एविडेंस ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है? सामने मार्केट प्लेस में जितने भी ब्रांड्स हैं, जो आपको कोई चीज चाहिए, अनडिस्प्यूटेडली आपके मन में सबसे पहले नाम किसका आता है, उसका ब्रांड इक्विटी सबसे ज्यादा है. उदाहरण के रूप में मैं आपसे पूछूं, नूडल चाहिए तो पहला मन में क्या नाम आता है आपके? मैगी. अगर पूछते ठंडा, ठंडा मतलब कोका कोला, पहला नाम आता है. कार का मतलब, कार सुनते ही आपके मन में महिंद्रा नहीं आएगा, टाटा नहीं आएगा, हुंडई भी चांस से कमाए, कार सुनते ही आता है मारुति सुजुकी. मिनरल वाटर सुनते ही चांसेस हैं आपके मन में आएगा बिस्लरी, हो सकता है कभी कभी किनले. टूथपेस्ट बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोलगेट कर लो, कोलगेट कर लो. तूने कोलगेट किया क्या? टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट. कोलगेट कई ब्रांड आने के बावजूद भी आज भी अनडिस्प्यूटेबल एविडेंस है उसका, हमारे देश के अंदर लॉयल्टी कोलगेट के प्रति आज भी बनी हुई है. किसी को पिज्जा खाना है देश में, पहला नाम क्या ध्यान में आता है? डोमिनोज. इसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी. बड़ी स्ट्रॉन्ग इक्विटी इन ब्रांड्स ने जनरेट करी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इंश्योरेंस पॉलिसी लेना है, क्या नाम आएगा सबसे पहले? LIC. लोग क्या कहते हैं, एक LIC ले लो, ऐसा नहीं बोलता है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, बोलता है एक LIC ले लो. सड़क पर चलते चलते अगर बच्चा गिर गया, उसको चोट लगी, खरोंच आ गई, तो कॉटन के साथ सबसे पहले क्या लगाते हैं? डेटॉल. डेटॉल एक ब्रांड का नाम है. डेटॉल एक एंटीसेप्टिक लोशन नहीं है, लगाया जा रहा है एंटीसेप्टिक लोशन. डेटॉल तो एक ब्रांड का नाम है, लेकिन एंटीसेप्टिक लोशन को ब्रांड ने सिनोनिमसली रिप्लेस कर दिया डेटॉल. डेटॉल लगा लो, कोलगेट कर लो, LIC ले लो, मैगी खा लो, एक बिस्लरी पकड़ाना भैया. ये क्या है? ये इतने स्ट्रांग ब्रांड इक्विटीज हैं, इन्होंने प्रोडक्ट को ही रिप्लेस कर दिया अपने ब्रांड नेम के द्वारा. तो ब्रांड इक्विटी एक अनडिस्प्यूटेबल एविडेंस ऑफ डिस्टिंक्शन होता है. टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन रिफ्लेक्स एक्शन, देखते ही सबसे पहले क्या डिसीजन लोगे आप? आपके सामने अगर आपको अधिकार दे दिया जाए, सीधा प्रधानमंत्री चुन लो, और आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, दोनों सम्माननीय व्यक्ति हैं, लेकिन आपके चांसेस क्या है कि आप किसको वोट देना चाहेंगे? राहुल गांधी की भी एक अपनी ब्रांड इक्विटी है, नरेंद्र मोदी की भी एक अपनी ब्रांड इक्विटी है. वो ब्रांड इक्विटी एस्टैब्लिश करने में बहुत समय लगता है, वो ट्रस्ट वर्दिनेस और प्रेफरेंस इंडेक्स को बढ़ाने में एक समय लगता है, जिसको आज कई कंसल्टेंट इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसको P&L अकाउंट में ब्रांड इक्विटी को भी कैलकुलेट करके दिखाते हैं. आपका कंपनी की वैल्यूएशन होती है ना, ये कंपनी कितने की है, 500 करोड़, 1000 करोड़ की. डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट इज अ ग्रेट वे टू मेजर अ ब्रांड इक्विटी. एक्चुअली आपको देखना पड़ेगा, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर एंड व्हाट शुड यू बी नोन फॉर. आपको किस लिए जाना जाना चाहिए, आपकी पहचान क्या है? कंसिस्टेंसी और कॉन्ग्रुएंस चाहिए कम्युनिकेशन में, बार बार एक ही जैसी बात को डिलीवर करने में. जैसे फॉर एग्जांपल थम्सअप, टेस्ट द थंडर, थम्सअप क्या बोलता है? थम्सअप का बार बार एक ही मैसेज है, आज कुछ तूफानी करते हैं. सलमान खान आएगा, कभी छत से कूदेगा, कभी जहाज से कूदेगा, कभी ट्रेन से आएगा, अजीबोगरीब काम, आज कुछ तूफानी करते हैं. ध्यान से देखा जाए तो थम्सअप और कोका कोला दोनों कोका कोला के ही ब्रांड है, लेकिन कोका कोला इज टॉकिंग अबाउट ओपन हैप्पीनेस, खुशियां बांटो, टेस्ट दी हैप्पीनेस, कंटिन्यूअसली हैप्पीनेस और खुशियों के अराउंड कोका कोला एक फैमिली ब्रांड की तरह अपने आप को पोजीशन कर. लेकिन थम्सअप अपने आप को पोजीशन कैसे कराता है? कोक थम्सअप को लेकर के, टेस्ट द थंडर, उसका फोकस क्या है? आज कुछ तूफानी करते हैं. सलमान खान कभी छत से कूदेगा, कभी आसमान से कूदेगा, कभी जहाज पे लटकता हुआ आएगा, कभी अचानक ट्रक उठा के ले जाए, तो पूरा फोकस उसका एक एडवेंचरस लाइफस्टाइल पे, एक यूथ ओरिएंटेड तूफानी ड्रिंक पे है. उनका कंसिस्टेंसी है अपनी ब्रांड को पोजीशनिंग को लेकर के. आप किस लिए जाने जाने चाहिए, मेरा आपसे प्रश्न है. कम ऑन, जो मेरी ऑडियंस आज मेरे वीडियो को देख रही है, मैं ये सारे कंटेंट को साधारण भाषा में आप तक पहुंचाना चाहता हूं. आप जिस भी चीज का व्यापार कर रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है, आप किस चीज के लिए जाने जाने चाहिए? हैव अ कंसिस्टेंसी. आप क्या सिग्नल दे रहे हैं? कम ऑन. आपका ब्रांड सिग्नल क्या देता है मार्केट में कि मैं कौन हूं? माउंटेन ड्यू कंटिन्यूअसली थम्सअप के अगेंस्ट कंपीट कर रहा है, डर के आगे जीत है. वो कह रहा है आज कुछ तूफानी करते हैं, ये कहता है डर के आगे जी. ये अपने आप को फैमिली ड्रिंक की तरह बिल्कुल भी पोजीशन नहीं करता.
तो ब्रांड इक्विटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होती है। एक ये लंबा सब्जेक्ट है, इसमें मैं 3-4 वीडियोस धीरे धीरे बनाना चाहूंगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मेरी भी एक अपनी ब्रांड इक्विटी है। आप कभी मुझे टी शर्ट में, पजामे या जीन्स के अंदर, या एक कैजुअल हंसते मुस्कुराते कैजुअल प्रोग्राम करते कभी नहीं देखेंगे। मैंने अपने आप को एक सीरियस लीडरशिप और बिजनेस कंसल्टेंट की तरह ही पोजीशन किया है। मेरा कम्युनिकेशन बिल्कुल साफ है आपको कि मेरे साथ में आपको टी शर्ट पजामे के अंदर नहीं देखेंगे, आप मुझे कंसिस्टेंटली हमेशा बिजनेस सूट में। एक कंसिस्टेंसी और कॉन्ग्रुएंस चाहिए, ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी कहीं भी कैसा भी कुछ कर दिया, प्रोग्राम कर दिया। मेरा प्रश्न आपसे है, नहीं आपसे, आप किस लिए पहचाने जाने चाहिए, मेरा प्रश्न है आपसे। व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, और आप क्या सिग्नल देना चाहते हैं मार्केट में कि आप कौन हैं। आज मेरे लीडरशिप फनल में जब पार्टिसिपेंट आते हैं तो मुझे यही फीडबैक देते हैं कि डॉक्टर बिंद्रा आपका कॉन्टेंट एक वर्थ वॉचिंग कॉन्टेंट है। ये साफ पता चलता है कि आप व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं डाल देते। आज बहुत सारे लोग हैं जो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कोई भी चीज डाल देंगे। इनफैक्ट अगर आप न्यूज चैनल भी देखे तो दो प्रकार के न्यूज चैनल, दोनों की अपनी एक ब्रांड इक्विटी और ब्रांड पोजिशनिंग है। एक न्यूज चैनल कैसा है, जो इंडिया टीवी, आज तक और एबीपी जैसा है, ये ब्रेकिंग न्यूज में बिलीव करते हैं, ये फट न्यूज देना चाहते हैं। तो इनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इनको स्पीड दिखानी पड़ेगी, इनको जल्दी के साथ में कवरेज देनी पड़ेगी। सो देयर नेचर हैज टू बी एग्रेसिव, स्पीडी एंड एवरी टाइम ब्रेकिंग द न्यूज। दूसरी तरफ एक और चैनल है जिसका नाम है एनडीटीवी। एनडीटीवी इज नॉट अबाउट ब्रेकिंग न्यूज, इट इज अबाउट पर्सपेक्टिव, इट इज अबाउट एनालिसिस। वो क्या कहते हैं, मैं कोई भी न्यूज ब्रेक नहीं करता, लेकिन न्यूज आ जाने के कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद मैं एक अच्छा एनालिसिस और एक पर्सपेक्टिव दूंगा कि एक्चुअली क्या हुआ था। ब्रेकिंग में कभी कभार चीज सही होगी, कभी कभी गलत होगी, लेकिन पर्सपेक्टिव और एनालिसिस में मैं एक आपको ओपन माइंडेड, एक कंप्लीट एनालिसिस के साथ एंड टू एंड पिक्चर ला के देना चाहता हूं। एक्चुअली दोनों चैनल की एक अपनी ऑडियंस है, दोनों चैनल की एक अपनी व्यूअरशिप है। मैं ये नहीं बोल रहा ये अच्छा है ये बुरा है, मैं ये बोल रहा हूं इनकी एक अलग ब्रांड इक्विटी है और इनकी एक अलग ब्रांड इक्विटी है। आप किस लिए जाने जाना चाहते हैं, ये मेरा आपसे प्रश्न है। What do you want to be known for? 2014 के ऐतिहासिक इलेक्शन के दौरान एक ही नाम हर जगह सुनाई पड़ रहा था, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। एनडीए की सरकार ने उस समय थोड़ा लेट लेकिन एक पावरफुल टीम को सिलेक्ट किया। ओगिलवी से थे पीयूष पांडे और मैडिसन से थे सैम बलसारा। पीयूष पांडे और सैम बलसारा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े आइकॉन्स है हमारे देश के अंदर, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर आज भी पीयूष पांडे ही हैं। और पीयूष पांडे ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, अब की बार मोदी सरकार। क्या अब की बार मोदी सरकार, या अब की बार मोदी सरकार में एक कॉल फॉर एक्शन था, इसके अंदर एक छुपा हुआ कॉल फॉर एक्शन था, एक्शन लेने के लिए एक एक जिंगल बन गया था, अब की बार मोदी सरकार एक जिंगल बन गया था। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी देख के घर परिवार में पहचान रहे थे, ये मोदी है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। इनको लगभग 50 दिन का समय मिला, लेकिन 50 दिन के अंदर 200 से ज्यादा टीवी कमर्शियल, 100 से ज्यादा रेडियो कमर्शियल और पर नाइट 100 से ज्यादा प्रिंट एड्स, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, दिन रात 2400 घंटे इनकी टीम ने लगातार काम किया, लगातार काम किया। एक ही नाम सुनाई और दिखाई और सुनाई और दिखाई पड़ रहा था, नरेंद्र मोदी। ब्रांड इक्विटी को बिल्ड करने में एडवर्टीजमेंट का बड़ा रोल है, लेकिन एडवर्टीजमेंट सब कुछ नहीं है, यही बताना चाहता हूं। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा, आपको लगेगा कि इसका मतलब जो अच्छी एड कर दे उसका बड़ा ब्रांड हो गया, जिसके पास एड का पैसा नहीं उसका ब्रांड छोटा हो गया। ऐसा नहीं है कि ज्यादा अच्छी एड बना दो तो ब्रांड इक्विटी बढ़ ही जाएगी। इनफैक्ट गोल्डन स्टेटमेंट है, गुड एडवर्टीजमेंट किल्स अ बैड प्रोडक्ट फास्टर। अगर खराब प्रोडक्ट की अच्छी एड बना दी तो एड तो चल जाएगी पर कंपनी का पर्दाफाश हो जाएगा। यूपीए गवर्नमेंट, राहुल गांधी की टीम, उनसे 2 महीना पहले से अपने एड कैंपेन को रन कर रहे थे। एनडीए गवर्नमेंट ने लेट चालू किया, यूपीए गवर्नमेंट उससे भी बहुत पहले से 2 महीना पहले से ऐड कर रहे थे रन। इधर कोई ऐड चल रही थी, उस ऐड के अगेंस्ट ऐड वाइज ऐड एक के बाद एक ही अपने कैंपेन चलाए चले जा रहे थे। अच्छा, एक तो होती है नेशनल ब्रांड इक्विटी, इसके अलावा हो सकती है रीजनल ब्रांड इक्विटी। अमेठी के अंदर राहुल गांधी की रीजनल ब्रांड इक्विटी इतनी सॉलिड और इतनी स्ट्रांग थी कि स्मृति ईरानी आई, पीछे पीछे नरेंद्र भाई मोदी भी आए, लेकिन रीजनल ब्रांड इक्विटी में राहुल गांधी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सके। वहां कुमार विश्वास भी आए, उनके पीछे पीछे अरविंद केजरीवाल भी आए, लेकिन रीजनल ब्रांड इक्विटी इतनी शक्तिशाली, राहुल गांधी की अमेठी के अंदर कोई उनका बाल बांका नहीं कर सका। कभी कभी किसी ब्रांड का, प्रोडक्ट का रीजनल ब्रांड इक्विटी नेशनल ब्रांड इक्विटी से ज्यादा हो सकता है, कुछ प्रोडक्ट रीजनली ज्यादा चलते हैं नेशनल ब्रांड इक्विटी के अंदर। लेकिन ब्रांड इक्विटी इसी को बोलते हैं, डिस्क्रीट चॉइस कॉन्जॉइंट। इट इज अ डिस्टिंक्शन ऑफ रिकॉल वैल्यू, कितना आपको याद रहता है, और ब्रांड प्रेफरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, नूडल सुनते ही ध्यान क्या आएगा, मिनरल वाटर सुनते ही ध्यान क्या आएगा, ठंडा सुनते ही ध्यान क्या आएगा, कार सुनते ही ध्यान क्या आएगा,
इसको क्या बोलते हैं, रिकॉल वैल्यू और कंज्यूमर ब्रांड प्रेफरेंस, उससे बन जाता है ब्रांड इक्विटी। शायद इनकी सरकार के काम इतने अच्छे थे, एक आम आदमी के दिमाग में बहुत बड़ा ब्रांड इक्विटी जनरेट हो गया। मैं राजनीतिक चर्चा आज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, दोनों की अपनी ब्रांड इक्विटी और आपकी भी एक अपनी ब्रांड इक्विटी है। आप नीचे अभी कमेंट लिखेंगे ना मेरे बारे में, वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, आप कमेंट लिखेंगे, आपकी भी एक अपनी ब्रांड इक्विटी जनरेट होती है कि आप कौन है, उससे आपके बारे में भी पता लगता है। सो व्हाट इज ब्रांड इक्विटी? इट इज द कमर्शियल वैल्यू दैट इज डिराइव्ड आउट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड एक्सपीरियंसेस। एक कंज्यूमर के प्रेफरेंस और एक्सपीरियंस से कमर्शियल वैल्यू बन के आती है, जिसके कारण मैं समझ में आता है कि मैं इस ब्रांड के लिए ज्यादा पैसा देने को भी तैयार हूं। देखो दोनों एक ऐसी चीजें हैं, एक ही रेट की चीजें हैं, लेकिन इसके लिए मैं ज्यादा पैसा भी देने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे को यह ब्रांड ही चाहिए। वो ब्रांड आप एस्टैब्लिश और बिल्ड कैसे करते हैं, उसमें आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, एक ऑनेस्टी चाहिए और अपने प्रॉमिस को डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रॉमिसेस को डिलीवर नहीं कर रहे अपने ब्रांड के अंदर, तो आपकी ब्रांड इक्विटी धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। एनडीए गवर्नमेंट ने अपने कैंपेन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा उन्होंने कैंपेन पे चलाया अनहैप्पीनेस पे, जनता माफ नहीं करेगी। दूसरा कैंपेन उन्होंने चलाया होप के ऊपर, वाह वाह अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले हैं। और तीसरा हिस्सा चलाया कैंपेन का कॉल फॉर एक्शन पे, फाइनली अब की बार मोदी सरकार। जब वोट डालने का टाइम आया हर जगह यही बोला, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। इंटेलिजेंटली स्टेप बाय स्टेप इनको बिल्ड करते चले गए। हर पुरानी तकलीफों, हर सारी तकलीफ के पीछे लोगों को लगा कि पता नहीं किस मसीहा का जन्म हो गया है, किसका अवतार होने जा रहा है। हर जगह एक ही नाम सुनाई पड़ रहा था, एक ही नाम दिखाई पड़ रहा था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। सो अनहैप्पीनेस के बाद जो ये होप दिखाई दी ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन, लोगों को विश्वास होने लग गया अच्छे दिन अब आएंगे क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी आ रहे हैं। इसको बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। अगर तो ये ब्रांड अपने प्रॉमिस को डिलीवर किया तो अगली बार चलेगा, और अगर ये ब्रांड अपने प्रॉमिस को डिलीवर नहीं किया तो ये अगली बार डूबेगा। ठीक उसी प्रकार आप कमर्शियल ब्रांड बहुत सारे देखते हैं, आप आज वोट दे रहे हैं, आप आज अपने टैक्स का पैसा दे रहे हैं, अगर इस सरकार ने अपने प्रॉमिसेस को डिलीवर नहीं किया तो उसका ब्रांड इक्विटी डाइल्यूट होना लगेगा। इसका मतलब है प्रेफरेंस, इसका मतलब है रिकॉल वैल्यू, वो ब्रेन टैटू हो जाता है, लोगों के दिमाग में छपने लग जाता है। नरेंद्र मोदी ने बोला मैं प्रधान सेवक हूं, वो अपने बारे लगातार लोगों को कम्युनिकेट कर रहे थे अपने बारे में। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये ब्रांड इक्विटी बढ़ती और घटती है प्रॉमिसेस को डिलीवर करने के बेसिस पे। तो जैसा ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ है, ऐसा ही कॉर्पोरेट्स और ऐसा ही कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, ऐसा ही सब जगह पे होता है। अगर आप एक यूट्यूब चैनल पे भी जाते हैं और वहां पे आपको वीडियो देखने के बाद कुछ अच्छा कॉन्टेंट नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बस व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए थंबनेल तो अच्छा लगा दिया लेकिन अंदर खोखला कॉन्टेंट है, तो आप उसके पास दोबारा वापस नहीं आएंगे। ठीक उसी प्रकार डिलीवरिंग द प्रॉमिस, एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा ब्रांड एक नेम, लोगो या टैगलाइन नहीं होता। एक ब्रांड लोग समझते हैं ये लोगो है, ये ब्रांड है, ये इसका ब्रांड लोगो है। ब्रांड नेम लोगो या टैगलाइन, नेम लोगो या टैगलाइन एक जरिया होता है ब्रांड को कम्युनिकेट करने का, देयर ओनली मीडियंस ऑफ कम्युनिकेशन। ब्रांड होता क्या है? ब्रांड होता है एक महसूस कराने का तरीका। पीपल डोंट रिमेंबर हु यू आर, दे रिमेंबर हाउ डू यू मेक देम फील। वन मोर टाइम, कम ऑन, ध्यान दीजिएगा, लोग कोई याद नहीं रखेंगे कि कौन कैसा है, कौन क्या है, किसके पास क्या माल है, वो याद रखेंगे आपने उनको कैसा महसूस कराया। अगर आप उसको अच्छा महसूस कराएंगे प्रेफरेंस इंडेक्स बढ़ने लगेगा, अगर आप खराब महसूस कराएंगे प्रेफरेंस इंडेक्स घटने लगेगा। इसी प्रकार सरकारें आती हैं और उड़ के खत्म हो जाती हैं, क्यों? आप कैसा महसूस कराते हैं उनको, जैसा महसूस कराएंगे वैसा ही प्रेफरेंस और रिकॉल। इसको एक्चुअली बोलते हैं ब्रांड का इक्विटी। ब्रांड के इक्विटी को अब आजकल जो कि नॉन न्यूमेरिकल है, जो कि साइकोलॉजिकल परसेप्शन से डिराइव्ड है कि मैं किसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हूं, लेकिन आज उसको भी फाइनेंशियल टर्म के अंदर वैल्यूएशंस दी जाती हैं, जिसके कारण मैंने आपको बताया कोका कोला का ब्रांड आज 80 बिलियन डॉलर का हो गया, इतना बड़ा कि कई देश भी खरीदे जा सकते हैं। आप कैसा महसूस कराते हैं, आज मेरा आपसे यानी कि मेरे ऑडियंस से यानी कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ में, आप सबसे मेरा एक प्रश्न है, आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं या किस चीज के लिए जाने जाना चाहेंगे? What do you think are you known for? What should you be known for? क्या आप अपने कंज्यूमर को ठीक से पहचानते हैं? और दूसरा प्रश्न, क्या आपकी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज आपके कंज्यूमर को ठीक से पहचानते हैं?
میرا تو پرشن سنیے, کیا آپ اپنے کنزیومر کو ٹھیک ڈھنگ سے پہچان پائے ہیں آج تک؟ کیا آپ کے سارے امپلائیز آپ کی کمپنی میں آپ کے کنزیومر کو ٹھیک ڈھنگ سے پہچان پائے ہیں؟ اگر آپ نہیں پہچان پائے تو آپ کنسسٹنسی اس کمیونیکیشن میں, کنزیومر ٹچ پوائنٹ کے ایکسپیرینس میں وہ کنسسٹنسی نہیں دے پائیں گے. ہر جگہ پہ آپ کو بار 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 وہی ٹچ پوائنٹ پہ ہر جگہ پہ وہی ایکسپیرینس جنریٹ کر کے دینا ہوگا. میں اس پہ دو ویڈیوز دھیرے دھیرے اور بنانے والا ہوں, آپ کو جلدی ہی دوں گا. میری اچھا رہتی ہے کہ کیس اسٹڈی بیسڈ, فارمولا بیسڈ, اسٹریٹجک ویڈیوز جن کو آپ ترنت امپلیمنٹ کر سکیں آپ کے پاس لگاتار دیتا رہوں, تاکہ میں آج ایک رورل انڈیا کو, آج ایک گاؤں کے لوگوں کو ہندی کے اندر ہائی کلاس کانٹینٹ دے کے امپاور کرنے کے سپنے کے ساتھ چلاؤں. میرے دیش کے ویاپاریوں کو اپنا برانڈ کیسے بلڈ کرنا ہے میں اس کی ٹریننگ دینا چاہتا ہوں. میرے دیش کے چھوٹے چھوٹے ویاپاریوں کو ٹیئر ٹو ٹیئر تھری سٹی جو میرے ٹریننگ پروگرام لیڈرشپ فنل میں خرچہ کر کے نہیں آ سکتے, ان کو میں فری ویڈیوز کے مادھیم سے یہ کانٹینٹ لگاتار دینا چاہتا ہوں, تاکہ ان کو بھی ایکسپیرینس مل سکے کہ ایک گلوبل برانڈ کیسے بلڈ کیا جاتا ہے. حالانکہ پھر بھی اگر آپ تھوڑی ہمت جٹا کے کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹریننگ پروگرام میں لیڈرشپ فنل کے ضرور آئیے. ہم یہاں پہ انٹرپرینیورز کو بلڈ کرنے کے سپنے کے ساتھ میں اس ٹریننگ پروگرام کو لانچ کیا ہے. ہمارا کنسسٹنٹلی پریاس ہے کہ ہمارے دیش کے چھوٹے چھوٹے ویاپاریوں کو ہم لوگ اب بلڈ کر کے نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں. اسی سپنے کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں. آپ کا جو خرچہ ہے نا ٹریننگ پروگرام کا, وہ اپنے آپ آپ کو کئی گنا کما کے دے گا. یہ میری ذمہ داری ہے, آپ آئیں یہ آپ کی ذمہ داری. اسی نمبر پہ فون کر کے چیک کریں اگلی تاریخ کب کی ہے. اگر ان ویڈیو سے آپ کی مدد ہوتی ہو ضرور 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 لائک دیجئے, میرا بھی اتساہ بڑھتا ہے اور اچھا لگتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ آپ کو اس سے مدد ہو رہی ہے. کیا آپ نے سبسکرائب تو کیا ہوا ہے لیکن بیل آئیکن کو ہٹ نہیں کیا؟ ضرور کر لیجئے, کیونکہ یوٹیوب کا ایک نیا الگوریدم آ گیا ہے. اگر آپ نے بیل آئیکن کو ہٹ نہیں کیا تو نوٹیفیکیشن آپ تک آئے گا نہیں, کبھی کبھی ہی آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں اس پرکار کے شکتیشالی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے, ضرور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں. ابھی تو آپ سے پرشن پوچھا تھا, میرا پرشن پھر وہی ہے آپ سے آج کہ آپ کس چیز کے لیے جانے چاہیے. واٹ شوڈ یو بی نون فار؟ کوکا کولا کس چیز کے لیے پہچانا جاتا ہے؟ تھمز اپ کس چیز کے لیے پہچانا جاتا ہے؟ ماؤنٹین ڈیو کس چیز کے لیے؟ آپ کس چیز کے لیے پہچانے جانے چاہیے؟ واٹ شوڈ یو بی نون فار؟ آپ کا برانڈ ایکویٹی کیا, تاکہ آپ اس کے اراؤنڈ کنسسٹنٹ محنت کر سکیں. اور ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, ایک بٹن ہی دبانا ہے خالی شیئر کرنے کا, ضرور کر دو. اگر آپ اسٹوڈنٹ بھی ہو نا تو اپنے فادر کو یہ ویڈیو شیئر کر دو واٹس ایپ پہ, ان کو دکھاؤ کہ وہ اپنے بزنس کو, اپنے پروفیشنل کریئر کو کیسے بلڈ کریں. آپ انٹرپرینیوریل اور پروفیشنل سرکل کے اندر جو لوگ نوکری دھندا ویاپار کرتے ہیں, پلیز شیئر دیز ویڈیوز, تاکہ ان لوگوں کو بھی ہم امپاور کر سکیں اور سپنے کو جلدی اچیو کریں. ہمارے دیش سے گلوبل برانڈ پوری دنیا میں جانے چاہیے. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا پھر سے دھنیہ واد.